हेलो गाइज, वेलकम टू गोटेक ज्ञान। मेरा नाम है प्रखर और आज के ट्यूटोरियल में हम यूजर हुक और कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में पढ़ेंगे। तो यूजर हुक का यूज करके हम अपने डोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो डोम को मैनिपुलेट करने का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई इनपुट बॉक्स है या कोई बटन है या कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी चीज है, उसको अगर हमें ऑपरेशन करना है तो हम यहाँ पे यूजर हुक का यूज करते हैं। पर यूजर हुक का हम सभी करते हैं जब हमारे पास स्टेट और प्रॉप्स हमारा काम नहीं कर रहा किसी कारणवश, तभी हम यूजर हुक का यूज करते हैं। अदरवाइज ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप यूजर हुक डायरेक्टली यूज करो। यहाँ पे चलिए, एक मैंने फंक्शन कंपोनेंट बनाया है जिसमें मैंने एक डिव लिया है जिसमें मैंने क्लास दिया है ऐप, और यहाँ पे मैंने यूजर हुक एज H1 टैग मैंने लिखा है। देखो इसका हमें आउटपुट देखते हैं, यूजर हुक सेंटर आ गया है। अब यहाँ पे हमें यूजर हुक के लिए हमें देखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लेवल बनाएंगे, लेवल फॉर नेम, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे नेम। ये आ गया। अब हम यहाँ पे इनपुट टाइप बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, ठीक है। और इसका मैं लाइक प्लेस होल्डर दे दूंगा, प्लेस होल्डर इंटर योर नेम, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगा। तो देखते हैं, ये देखिए नेम आ गया और इंटर योर नेम आ गया, तो जो भी मैंने प्लेस होल्डर में लिखा वो यहाँ पे आ गया। तो अभी क्या है कि मान लो इसमें कुछ भी लिखते हैं, लेकिन प्रखर लिख रहे हैं, प्रखर मतलब ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक, मतलब 1 2 3 4 या कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें लिख सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि हम यूजर हुक के थ्रू डायरेक्टली इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। हमें कुछ लिखना नहीं पड़े, हम जो हमारे जो विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ भी हम डेटा लिख रहे हैं वो डायरेक्टली आपके इसमें स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे यूजर हुक पिक्चर में आता है कि आप डायरेक्टली डोम को, ये जो डोम एलिमेंट है, ये जो बॉक्स है, जो डोम एलिमेंट है, उसको डायरेक्टली हम डिफर कर सकते, मतलब उसको डायरेक्टली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं बटन क्लिक करने पे, या डायरेक्टली हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ऑन चेंज इवेंट लगा सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे कुछ भी इमेज है, इमेज यहाँ पे मान लो डालते, कोई भी इमेज डालते हो, इमेज पे क्लिक करें तो कुछ हो जाए। तो ये सब क्या है, डोम को मैनिपुलेट करें, उसके लिए हम यूजर हुक का यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नॉलेज मैंने शेयर कर दिया, अब हम कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप दिया कि अब हम यूजर हुक को यूज करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूजर हुक को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो यूज रेफ फ्रॉम पीआई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूजर हुक को इंपोर्ट कर लिया। अब हमें इसको यूज करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट मान लो इनपुट रेफ थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा, इनपुट रेफ इक्वल टू यूज रेफ, ठीक है। और इसका जो इनिशियल वैल्यू है हम उसको नल सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं यूजर हुक का यूज करके, जिसका यूज करके हम किसी भी डोम एलिमेंट को रेफर कर, मतलब रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने इनपुट टाइप के लिए टेस्ट दिया, तो यहाँ इस लाइन का लिखने का क्या मतलब, इस लाइन लिखने का मतलब ये है कि हम यूजर हुक के थ्रू एक हम रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिसका यूज करके हम किसी भी डोम एलिमेंट को रिफर कर सकते हैं और उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो स्टार्टिंग वैल्यू जो है हमेशा हम नल सेट करेंगे, या तो हम MTVP सेट कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो रिकमेंडेड है कि स्टार्टिंग का वैल्यू नल सेट करो, और उसको जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है रेफरेंस लिए उसको यहाँ पे एज ए पास कर दो रेफरेंस, ठीक है। तो REF इक्वल टू यहाँ पे इनपुट रेफ, ठीक, इनपुट रेफ। तो अब क्या है कि अब जो मतलब जो इनपुट टाइप जो टेस्ट में जो भी आप डेटा लिख रहे हो, मतलब यहाँ पे ओके सो यहाँ पे स्ट्रिंग रेफ नहीं हो सकता, यहाँ पे इसको हमें कर्ली ब्रेसेस में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नहीं आएगा इधर, ठीक है, अब इधर नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी डेटा आए वो हमारे बटन क्लिक करने पे ही आए, ऐसे खुद से हम नहीं लिखे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक बटन नाम का एक बटन हम बनाएंगे, ठीक है, बटन, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे मैनिपुलेट डेटा, ठीक है। तो ये देखो आ जाएगा, मैनिपुलेट डेटा आ गया, इसको हम चाहोगे कि इसको नीचे में ला सकते हो, उसके लिए हम यहाँ पे br टैग यूज कर देंगे, br, ठीक है। अब ये देखो ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैनिपुलेट डेटा आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम डॉम को मैनिपुलेट करें, तो डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन पे ऑन क्लिक और यहाँ पे हैंडल फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन हैंडल बनाएंगे, फंक्शन हैंडल, और यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है उसको यहाँ पे डायरेक्टली, इनपुट बॉक्स जिसका हमने रेफरेंस दिया इनपुट टाइप, अब उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं,
यहाँ पे लिखेंगे इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू कोड टेक ज्ञान, कोड टेक ज्ञान। ठीक है, तो मतलब हम जैसे ही यहाँ पे बटन भी क्लिक करेंगे, उससे उससे क्या होगा, जो इनपुट बॉस है उसमें कोड टेक ज्ञान डायरेक्टली उसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा, मतलब कोड टेक ज्ञान उस बॉस के अंदर फेल हो जाएगा। ठीक, तो हाँ इतना ठीक है, अब देखते हैं इसका। ठीक है, मैंने अपने डेटा पर क्लिक किया, कोड टेक ज्ञान आ गया। ठीक है, इधर हटिए। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब इसमें मतलब कुछ और भी डेटा आप चाहो तो लिख सकते हो, ये भी है, पर जैसे मैंने अपने डेटा पर क्लिक करो कोड टेक ज्ञान आ गया। तो ये था यूजर हुक। अब मान लो इस पे फोकस करना है, तो इनपुट रेफ जो इनपुट बॉक्स है उस पे फोकस करना, तो इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट फोकस फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होगा, ये देखो जैसे आपने मल्टीपल डेटा पर क्लिक किया कोड टेक ज्ञान तो आ ही गया, पर इस पे एक फोकस भी आ गया, मतलब ब्लैक कलर से एक बॉर्डर बन गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका जिसके हम या इनपुट बॉक्स पे हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंटेस्ट एपीआई के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक और फाइल मैं बना दूंगा, एक फाइल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटेस्ट डॉट जेएस, और यहाँ पे RFCE अगर लिखोगे तो उससे कॉपीराइट बन जाएगा कंटेस्ट करके। ठीक है, और ये इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है। अब इसको मुझे इम्पोर्ट करना होगा, तो इसमें मैं कैसे इम्पोर्ट कर सकता हूँ, या इम्पोर्ट कंटेस्ट, और जैसे मैं कंटेस्ट लिखा हूँ ये यहाँ पे आ गया, और मैं कंटेस्ट हुक कंटेस्ट जो कंटेस्ट ऑफ जीएस पेज है उसको यहाँ पे मैंने ऐप डॉट जीएस में इम्पोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब कंटेस्ट एपीआई के बारे में सीखते हैं। तो पास बहुत सारा कंपोनेंट्स है, मान लो आपके पास 10-12 कंपोनेंट है। ठीक है, आप चाहते हो कि पैरेंट कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट है उससे 12th कंपोनेंट पर डेटा जाए, तो आप कैसे भेजोगे? आप आपके दिमाग में आएगा कि प्रॉपर्टी लिंक करेंगे, तो प्रॉपर्टी लिंक करोगे तो मतलब पहला कंपोनेंट पहला से फिर दूसरा भेजोगे, दूसरा से तीसरा भेजोगे, आप डायरेक्टली पहला से डायरेक्ट 12th पे नहीं भेज सकते, राइट? आपको मतलब थ्रू इंटरमीडिएट कंपोनेंट ही आपको डेटा वो भेजना पड़ेगा। तो ये मतलब ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि मान लो आप बहुत बड़े मतलब एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो, ई कॉमर्स एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो, आपको लाइक आपके पास एक शू के आइटम्स है, और आप बटन पर क्लिक करो, तो जैसे बटन पर क्लिक करोगे आपका जो कार्ट है उसमें वो आइटम का प्राइस जाके ऐड हो जाना चाहिए। तो ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिंक के थ्रू संभव नहीं है, इसलिए आपको यूज करना पड़ता है कंटेस्ट एपीआई। तो कंटेस्ट एपीआई का यूज करके हम डॉक्यूमेंट ट्री के अंदर कोई भी एक कंपोनेंट का डेटा को किसी भी एनएस कंपोनेंट में हम भेज सकते हैं। कैसे भी सीखते हैं। कंटेस्ट एपीआई में दो चीज होता है, दो 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 चीज होती है। सबसे पहला होता है क्रिएट कंटेस्ट, और दूसरा होता है यूज कंटेस्ट। तो क्रिएट कंटेस्ट का यूज करके हम कंटेस्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसका यूज करके हम वैल्यू को पास करते हैं अदर कंपोनेंट्स में। ठीक है, और यूज कंटेस्ट हुक का यूज करके हम उस वैल्यू को कैच करते हैं। और जो क्रिएट कंटेस्ट मेथड से हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको एज हमें ग्लोबली डिफाइन करना ज्यादा अच्छा होता है, ताकि यूज करके हम उसको ताकि उसका जो डेटा है हम किसी भी अदर कंपोनेंट में डायरेक्टली भेज सकते हैं, मतलब वो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, मैं कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलो सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्रिएट कंटेस्ट को इस जीएस फाइल में इम्पोर्ट करूंगा, क्रिएट कंटेस्ट हो गया, और इस क्रिएट कंटेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट माई कंटेस्ट, माई कंटेस्ट इक्वल टू क्रिएट कंटेस्ट। ठीक है, तो अब एक ऑब्जेक्ट बन गया माई कंटेस्ट नाम का, जो क्रिएट कंटेस्ट मेथड के यूज करके बना है। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, और इसको हम अगर इसका हम डेटा वो भेजना है, मतलब हम कोई भी डेटा वो भेजना है किसी भी एनएफ कंपोनेंट में, तो हम इस माई कंटेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम उसको भेज सकते हैं। ठीक, हाँ, तो ये जो डिव टैग है इसको हटा के यहाँ पे हम माई कंटेस्ट लिख देंगे, माई कंटेस्ट, और इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो माई कंटेस्ट में अगर मतलब जैसे यहाँ पे कोई दूसरा कंपोनेंट है, मतलब हम एक और दो तीन कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे कंपोनेंट है आपको चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड डॉट जी एस। ठीक है, और यह चाइल्ड डॉट जी एस है। ठीक, तो यहाँ पे हम चाइल्ड डॉट जी एस को हम इनिशलाइज करते हैं, RFC लिखा और H1 चाइल्ड कंपोनेंट।
ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट चाइल्ड, ठीक है, फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट, फ्रॉम चाइल्ड, या ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे चाइल्ड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो माई कंटेस्ट ऑब्जेक्ट है उससे यूज करके हमें इस चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा भेजना है। मान लो एक और कंपोनेंट हम यहाँ पे बनाते हैं, चाइल्ड वन, चाइल्ड वन, और उसी तरह मान लो हुआ यहाँ पे 10-12 कंपोनेंट और हो जाए, ठीक है। चाइल्ड वन, चाइल्ड वन, चाइल्ड वन हुआ, इसमें हम कंपोनेंट का नेम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चाइल्ड थ्री हो गया, और मान लो यहाँ पे चाइल्ड फोर हो गया, और उसके बाद मान लो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो चाइल्ड एनएथ हो गया, चाइल्ड एन, हमें इन जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें हमें डेटा डायरेक्टली भेजना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, माई कॉन्टेस्ट डॉट प्रोवाइडर, देखो ये ऑटोमेटिकली आएगी प्रोवाइडर, और यहाँ पे हम एक वैल्यू देंगे, वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे दे दिया हम लाइक हाई, हाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हाई दे दिया, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये चाइल्ड कंपोनेंट उसमें डेटा गया कि नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट डेटा को यहाँ पे, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट में इसने डेटा सेंड कर दिया, बट चाइल्ड कंपोनेंट उस डेटा को यूज करने हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ रिएक्ट के साथ यहाँ पे एक यूज कंटेस्ट बुक को यूज करना पड़ेगा, यूज कंटेस्ट। और यहाँ पे जो हमने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया था उसमें एज ए नॉर्मल हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू यूज कंटेस्ट, और वो जो मतलब जो माई कंटेस्ट नाम का हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको यहाँ पे हम यहाँ पे पास करेंगे। और इसको यूज करने के लिए हमें इम्पोर्ट, अच्छा तो यहाँ पे जो माई कॉन्टेस्ट है इसको हमें यूज करना है, तो इसलिए हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट माई कॉन्ट, एक्सपोर्ट कर लिए यहाँ पे माई कंटेस्ट ऑब्जेक्ट को, ताकि हम इसको यूज कर सके। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट माई कंटेस्ट, माई कंटेस्ट फ्रॉम द कंटेस्ट डॉट जेएसपी, ठीक है। तो अब हम मतलब जो माई कंटेस्ट में जो भी हम डेटा हमने दिया था हाई, अब यहाँ पे डेटा के अंदर वो आके स्टोर हो गया, ठीक है। और उसको यूज करना है तो चाइल्ड कंपोनेंट कर्ली ब्रेसेस में डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हाई वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ईरर आ रहा है कि हाई इज नॉट डिफाइंड, वो इसलिए आ रहा है कि हमने इसको कर्ली ब्रेसेस में दिया है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में देना है डेटा, तो यहाँ पे हम हाई पास कर देंगे। अब देखो चाइल्ड टू इज नॉट डिफाइंड, चाइल्ड थ्री इज नॉट डिफाइंड, फॉर टाइम भी हम यहाँ पे इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और हाँ ये भी है, ठीक है। अब देखो मतलब जो हमारा जो मतलब इसका मतलब है कि डेटा चला गया, अब उसको हम डेटा को प्रिंट करना है, इससे डेटा को प्रिंट करने को इसको मेन जो रूट फाइल है उसमें तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कंटेस्ट हमने इंपोर्ट तो किया, पर उसको यहाँ पे हमने यूज तो नहीं किया ना, तो कंटेस्ट, कंटेस्ट, और इसको हमने यूज कर दिया। अब देखो चाइल्ड कंपोनेंट में जो डेटा चला गया है और हाई चला गया है, मतलब हमने जो पेरेंट कंपोनेंट से जो डेटा भेजा कंटेस्ट और जीएस में, पेरेंट कंपोनेंट जो हमने हाई भेजा वो चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे जाकर स्टोर हो गया है डायरेक्टली। अगर आप चाहते हो, आप तो बोले कि तो हम प्रॉप से भी कर सकते हैं, तो हम सिर्फ प्रॉप से हम एक से दूसरे, दूसरे तीसरे भेज सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं चाइल्ड टू को भी यहाँ पे मैं मतलब अनकमेंट करता हूँ, चाइल्ड थ्री को भी मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। तो और मतलब ये टू थ्री फोर को मैं अनकमेंट करके, और मैं तीनों, ये तीनों कंपोनेंट अभी मैं बनाऊंगा, ठीक है। न्यू फाइल चाइल्ड टू डॉट जी एस, फिर अगला फाइल बनाऊंगा चाइल्ड थ्री डॉट जी एस, फिर उसका अगला फाइल बनाऊंगा चाइल्ड फोर डॉट जी एस, ठीक है, चाइल्ड फोर डॉट जी एस, ठीक है। और जो चाइल्ड वाला, जो चाइल्ड में जो भी मैंने बनाया था उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, मैं नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मैं नाम मैंने लिख दिया, ये चाइल्ड टू है, तो चाइल्ड टू डॉट जे एस है, और एक्सपोर्ट हो जाएगा चाइल्ड टू, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे आपको चेंज करना डेटाज कर दो, तो यहाँ पे डेटाज हो गया। उसके फिर ये सेम आपको चाइल्ड थ्री में भी करना है, तो चाइल्ड थ्री हो गया, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में भी चाइल्ड थ्री हो गया, और यहाँ पे डेटा जो आप जो ऑब्जेक्ट बनाना बना सकते हो, सेम मुझे यहाँ पे भी करना हो तो चाइल्ड यहाँ पे फोर हो गया,
और यहाँ पे डिफॉल्ट भी 4 हो गया। ठीक है, तो हमने डेटा पास कर दिया, ये सारे सारे कॉम्पोनेंट ऑफ डेटा जा चुका है। ठीक है, चाइल्ड से चाइल्ड चाइल्ड 2 में डेटा चला गया, 3 में चला गया, 4 में चला गया, और यूजर्टेज और जीएसएम में चेक कर लेते हैं। देखो चाइल्ड था, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, तो ये सारे कॉम्पोनेंट ऑफ हमें डेटा चले जाना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं, इसका आउटपुट चाइल्ड 2 इज नॉट डिफाइंड, अभी भी आ रहा है। अच्छा, तो इसको यूज करने के लिए आपको इसको इम्पोर्ट भी तो करना पड़ेगा, इम्पोर्ट चाइल्ड 2, ठीक है, फिर इम्पोर्ट चाइल्ड 3, फिर सॉरी, फिर इम्पोर्ट चाइल्ड 4। ठीक है, अब हाँ देखो सारे कंपोनेंट्स में डेटा चला गया है, हाई 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 है। अब आप चाहते हो कि डेटा को चेंज कर दे और बस ए पर डेटा चेंज करना सब में हो जाए, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हाई रखा, मैंने लिखा, अब देखो सब में डेटा चला गया, हाई प्रकार सब में आ गया। तो ये था कंटेस्ट एपीआई, मतलब इसका यूज करके आप डायरेक्टली एक कॉम्पोनेंट डेटा दूसरे कॉम्पोनेंट में भेज सकते हो। आपको प्रॉप ड्रिलिंग का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरे पास एक पैरेंट कॉम्पोनेंट है, अब मेरे को इंटरमीडिएट कॉम्पोनेंट से आखिर मतलब अगर मुझे डेटा को भेजना है लास्ट कॉम्पोनेंट, तो इंटरमीडिएट कॉम्पोनेंट में डेटा को भेजूंगा पहले से, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा, आप डायरेक्टली भी भेज सकते हो। तो ये कंटेस्ट एपीआई, ये रिडस का ही जो फ्लो है उसके जैसा है, जो मतलब रिडस में जो हम काम करते हैं, रिडस में भी ये करते हैं कि आप स्टोर ले लेते हैं और स्टोर से डेटा को हम अपने मतलब व्यू में डायरेक्टली हम पास करते हैं। उसके लिए आपके पास क्या होता है, रिड्यूसर होता है, रूट रिड्यूसर होता है, एक्शन होता है। तो व्यू में कुछ भी मतलब क्लिक करते हो तो एक्शन एक्शन मतलब आपके पास मिलता है, एक्शन डिस्पैच होता है रिड्यूसर पास, और फिर रिड्यूसर उन एक्शन और स्टोर का जो करेंट स्टेट को लेता है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके नया स्टेट देता है, और स्टोर व्यू में उसको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो ये आपको रिडक्स का काम होता है, पर रिडक्स थोड़ा टफ होता है, और रिडक्स एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसको आपको इम्पोर्ट करना होता है। कंटेस्ट एपीआई रिएक्ट का अपना पार्ट है, उसको आपको कुछ इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो, उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये था कंटेस्ट एपीआई। आशा करता हूँ आपको यूज रिफू को कंटेस्ट एपीआई आपको समझ में आया हो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को, प्लीज जुड़े रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहे। थैंक यू, बाय बाय।